दोस्तों एक मालगाड़ी के डिब्बे से खून बह रहा था और जब उसमें मौजूद एक बोरी को खोला गया तो उसमें पुलिस को कुछ ऐसी चीज मिली जिसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी आकर खड़ी होती है, तभी कुछ लोगों की नजर मालगाड़ी के एक डिब्बे पर पड़ती है जिसमें से खून बह रहा होता है। ऐसे में वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत अपने फोन से उस डिब्बे की फोटो ली और इसकी खबर रेलवे पुलिस को कर दी। पर मालगाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी तो उसे चला रहे लोको पायलट को सूचना दी जाती है कि अगले स्टेशन पर आपको ट्रेन रोकनी होगी। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो रेलवे पुलिस मालगाड़ी के सभी डिब्बों को चेक करने लगती है और जब उस डिब्बे को खोला जाता है तो उसमें रखी कुछ बोरियों से खून टपक रहा होता है। उन बोरियों को खोलने पर पुलिस को उसमें से कुत्ते का मांस मिला जिसकी स्मगलिंग की जा रही थी, जिस पर विश्वास कर पाना सच में काफी मुश्किल था। पुलिस का कहना था कि इसमें जो कोई भी शामिल होगा उसका पता कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।